नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जयसिंह नाम है जी मेरा, गांव राजावास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। जयसिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 3 अगस्त 2012 को संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, मैं इससे पहले राम रहीम से मैंने 1990 में दीक्षा ली थी, तो 2012 तक चली, लेकिन मुझे उससे कोई लाभ नहीं था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये ऐसा हुआ कि मैं शराब के ठेके में नौकरी करता था और बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो एक बार हमारे ठेके चंडीगढ़ से बदली होकर पंजाब के अंदर गाँव पड़ता है लालडू, वहाँ पर आ गए और वहाँ पर कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, उन्होंने वहाँ पर पुस्तक छोड़ दी भक्ति के सौदागर। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो पुस्तक मिली भक्ति के सौदागर, तो मैंने उस किताब को बार बार पढ़ा लगातार, तो वो किताब लगभग मैंने कंठस्थ कर ली। तो ये मेरे गांव का ही जिसका ठेके में हिस्सा था कुछ, वो थे, तो मैंने उनको कह दिया भाई मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्या हुआ? मैं बोला मैं नहीं जा करता हुई कोई नौकरी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर आ गया जी, और उसके बाद आके मैंने 3 अगस्त 2012 को जो है रामपाल महाराज जी से नाम उद्देश्य ले लिया। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, एक मेन लाभ मेरे को, मैं एक टाइम ये सोचने लग गया था कि मैं कैसे, अब मेरा टाइम भी ज़्यादा हो गया, मेरा पैर गोड्डे के अंदर से ऐसे उतर जाता था जैसे उस पर पूरा वजन पड़ता था उसी टाइम घूम जाता था, रात को सोते हुए भी मेरा पैर जो है अपने आप उतर जाता था। मैंने ये इनसे पूछा कि भाई जो डॉक्टरों से वही है तो जो है तो बदली करना पड़ेगा उठना, और इसकी कोई तसल्ली नहीं है। तो फिर ये कैसे बांधने बूंदने वाले आते हैं, इनसे करी तसल्ली नहीं हुआ कुछ भी। फिर जब मैंने रामपाल महाराज जी से नाम लिया, आज 2012 से लेकर आज तक मुझे ये भी याद नहीं है कि वो पैर कौन सा था, जबकि इतना भारी उतरता था वो पैर कि मेरे को महाभारत हो जाती थी, सोया भी नहीं जाता था कई बार, तो इतना दर्द होता था। दूसरा लाभ, इतनी शराब मैं पीता था, ये नहीं कि लोगों की तरह दिया पौवा खरीदा, और मैंने बोतल से कम कभी नहीं खरीदी, एक बोतल पी ही जाया करता मैं एक बार में बैठी। आर्थिक स्थिति भी ऐसे कमज़ोर होनी थी, क्यों जो कमाता उसकी शराब पी जाना, और तो कोई फायदे वाला काम था नहीं। जरा 10-10 पैकेट सिगरेट पी जाता था। अब मैंने जिस दिन रामपाल महाराज जी से उपदेश लिया है उस दिन के बाद ना मैंने बीड़ी पी है, ना सिगरेट पी है, ना कभी जो है कोई दूसरा ऐब किया है, और मेरा पैर बिल्कुल सही है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपने आराम से लाइफ जिंदगी काट रहा हूँ। और जी लाभ तो करने को तो रोज़ रोज़ होते हैं। पहले जैसे आप समझते हो कि भाई स्थिति, जैसे शराबी आदमी क्या स्थिति होती है, ना कोई पूछता है, ना कोई ताकता है, ना कोई रिलेशन होता है, रिलेक्शन वाले होते हैं वो भी कहते हैं पीछा छोड़ेगा, पैसे चाहिए इसको दारू पीने के लिए, फिर इज्जत वाला लफड़ा होता है, दारू पीने वाला पता नहीं किसी को क्या बोल दे। और अब बड़े प्रेम से जहाँ भी जाते हैं बड़े प्रेम से लोग बैठते हैं, आओ भगत होती है, और जो है बताते हैं लोग भाई बहुत समझदार है, भगत आदमी है, और जो है अपनी भक्ति में लीन रहता है, किसी से कोई दूसरे प्रकार का कोई भी बात नहीं रखता। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्म विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं या देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? जी नहीं, रामपाल महाराज जी भक्ति छुड़वाते नहीं, भक्ति विधि बताते हैं कि ये ऐसे नहीं, इस तरह भक्ति करो। जैसे हम भक्ति करते हैं वो तो बगैर उसके कायदे के नहीं है, हम अपने सदग्रंथों में देखो भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें बताते हैं कि कौन से भगवान का कौन सा नाम है। रामपाल जी महाराज सही नाम बताते हैं कि इनके मंत्र ये हैं, हम तो बगैर मंत्रों के ही प्रसाद बांट के पीछा छुड़वा लेते हैं, ये कोई भक्ति नहीं है। रामपाल महाराज जी सही भक्ति विधि बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी उजड़ी जिंदगी बसाई, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं जितने दर्शक भाई बहन जितना भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा अपनी जिंदगी अगर बनानी है, आगे के लिए रास्ता ढूंढना है, आप किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए भी पूछते हैं कि कोई रिश्तेदार है वहाँ, लेकिन हमें जहाँ जाना है वहाँ के बारे में तो किसी को पता नहीं है, उसका रास्ता पूछने के लिए आप रामपाल महाराज की शरण में आइए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं?
ये रामपाल जी महाराज के आजकल बहुत से चैनलों पर ये सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उस पर आप फ़ोन मिलाइए, वो आपको आपके नज़दीकी जो है जहाँ भी नामदान होगा वहाँ का पता बता देंगे, वहाँ से उपदेश लीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद सर। सर साहिब जी।